जो माननीय केजरीवाल साहब ने पूरे दिल्ली में आदेश दिया है कि दिल्ली की सड़कों के सारे पॉट होल और डैमेज सड़कों को रिस्टोर किया जाए, उसके तहत इस वक्त अरविंद मार्ग पे कार्य चल रहा है। रात के 2:15 हो चुके हैं और मैं इस वक्त अपने जो PWD के AE साहब है, बैरवा साहब, वो भी हमारे पास हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर है अखिलेश यादव जी, वो भी यहाँ पर है, और हमारे क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर हैं। सब लोग मिल के सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो केजरीवाल जी का आदेश है उसका पालन पूरी डिसिप्लिन के साथ हो, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही हो। आप देख पा रहे हो, उन्होंने फ्राई कर दिया, माल निकाल दिया है पुराना, अब नया मशीन आ चुकी है, मिक्स इसके अंदर है, अभी चल रहा है, ये जो बना हुआ है ऑलरेडी है। ये पीछे कहाँ तक बना, कितना मीटर बनाए? ये 300 मीटर बना है और आगे पूरा बनेगा, जहाँ तक भी ये डैमेज। तो ये है केजरीवाल जी के आदेश की पूरी इन्होंने पालन किया है, और मैं क्षेत्र का विधायक होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि वो आदेश जैसा कहा है वैसा पालन हो, वो सुनिश्चित करूं। इसी प्रकार से दिल्ली के सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में PWD की सड़कों के पॉट होल और डैमेज रोड्स को रिपेयर करने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा ने भरसक प्रयत्न किया कि दिल्ली के काम ना हो, जेल में बंद कर दिया CM को, लेकिन जाको राखो साइयां, मार सके न कोई, परमात्मा ने आखिरकार न्याय किया। सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली, और सिर्फ जमानत नहीं मिली, भाजपा को बड़ा चपत भी लगा, तमाचा भी लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही वो किसी के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है। दिल्ली साहब को कल परसों कहा कि किस प्रकार से आप आदेश कर सकते हैं, कैसे चुनाव करा सकते हैं, आप मेयर कैसे बन सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति जमीन वाला होता तो रिजाइन कर दिया होता, यानी रिजाइन नहीं करेंगे, ये बने रहेंगे, दिल्ली वासियों को तंग करने का व्रत करते रहेंगे। लेकिन अब केजरीवाल जी बाहर हैं, अब आप दिल्ली की जनता को तंग नहीं कर सकते। इस रोड का इस्तेमाल यूसुफ सराय, गौतम नगर, मस्जिद मोड, नीति पार्क, गुलमोहर पार्क, ग्रीन पार्क, सब लोग कर रहे हैं, और इसीलिए इस रोड का बनना और सही समय से बनना और सही प्रकार से बनना बहुत ज़रूरी था। केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जय हिंद, जय भारत।